नमस्कार, स्वागत है आप सबका लेखक की लेखनी में। लेखक की लेखनी चैनल आप तक इतने बेहतरीन वीडियो पहुंचाता है, लाइक सब्सक्राइब और फॉलो तो बनता है। ये जानकारी बहुत मेहनत के बाद तैयार की है, किसी प्रकार की कोई गलती लगे तो जरूर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं रामायण के शीर्षक गीत सीता राम चरित अति पावन की। इस गीत को स्वरबद्ध किया था आनंद कुमार जी और देवकी पंडित जी ने, और कंपोज किया था स्वर्गीय श्री जयदेव जी ने। इसके बाद के सभी गीत स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन जी ने लिखे और कंपोज किए थे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं यही रात अंतिम यही रात भारी गीत की। इस गीत को स्वर दिए थे श्री रविंद्र जैन जी, सुशील कुमार सील जी, हेमलता जी और दिलराज कौर जी ने। अब बात करते हैं गीत राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं की। इस गीत को गाया था स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन जी और उनके साथियों ने। चौथे नंबर पर बात करते हैं सीता राम दरस रस बरसे गीत की। इस गीत को गाया था स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन जी और के जे येसुदास जी ने। ये गीत अनमोल गीत है रामायण का। गीत राम दरबार है जगसारा में स्वर दिए थे स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन जी, सुशील कुमार सील जी, हेमलता जी और दिलराज कौर जी ने। गीत रास्ता देखा सबरी की उम्र गई सारी को स्वर दिया था अनुराधा पौडवाल जी ने। अनुराधा जी का यही एक अकेला गीत है जो रामायण में था। सातवें नंबर पर बात करते हैं विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो वन वन भटके राम गीत की। तो इस गीत को स्वर दिए थे हरदिल अजीज मोहम्मद अजीज जी ने। ये गीत बहुत ही दर्द भरा गीत है। अब बात करते हैं राम जी की सेना चली गीत की। तो यह गीत दो जगह आया है, एक बार जब किष्किंधा से सेना समुद्र की ओर चलती है तब, और दूसरी बार जब सेना सेतु पार करती है। जहाँ पहले गीत में स्वर्गीय श्री महेंद्र कपूर जी ने स्वर दिया है, तो वहीं दूसरे गीत में सतीश देहरा जी और कुमार सानू जी ने स्वर दिए हैं। नौवें नंबर पर बात करते हैं जागिए रघुनाथ नाथ गीत की। इस गीत को स्वर दिया था के जे येसुदास जी ने। दसवें नंबर पर बात करते हैं सिया के संकल्प के आगे रघुकुल का राजा हारा गीत की। इस गीत को स्वर दिए थे मखमली आवाज के जादूगर सुरेश वाटकर जी ने। ग्यारहवें नंबर पर बात करते हैं राम सिया युग युग के साथी गीत की। इस गीत को स्वर दिया था स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन जी ने। आखिर में बात करते हैं महलों के अधिकारी वन में पलते हैं गीत की। इस गीत को स्वर दिया था स्वर्गीय श्री महेंद्र कपूर जी ने। आपसे विनम्र निवेदन है, एक वीडियो में सभी भजनों या गीतों के बारे में बता पाना आसान नहीं होता, इसलिए शेष भजन के बारे में आने वाले वीडियो में बताएंगे। आपको किसी गायक या गीतों के बारे में जानकारी साझा करनी हो या आपको और गीतों के बारे में जानना हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। रामायण के गीतों से जुड़े पुराने वीडियो और आने वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।